जय हिंद दोस्तों, आप सभी का नई वीडियो में स्वागत है। तो इंजन को शोरूम यानी नई गाड़ी जैसे कैसे चमकाना है इस से इस तक। तो अभी देख सकते हैं कि इंजन काफी गंदा हो गया है और काफी धूल और मिट्टी जम गई है। तो अगर आप वाटर, केमिकल या स्टीम से क्लीन करते हैं तो पहले बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल को निकाल देना है, जिससे अगर पानी अंदर भी जाएगा तो कोई भी डैमेज नहीं करेगा। तो अभी मैं नॉर्मल वाटर से क्लीनिंग करने वाला हूँ। उसके बाद हमें एक स्प्रे करना है, जिससे इंजन में चमक 3 से 5 महीने के लिए रहेगा। और मैं घर के नल से पाइप कनेक्ट करके इसमें नॉर्मल प्रेशर में ही पानी डाल रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और इसको हम केवल 1 से 1.5 मिनट तक ही क्लीन करेंगे, इससे ज़्यादा हमें क्लीनिंग नहीं करना है। और अगर आपको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी जम गया है तो आप क्या करिए, पहले आप एक बॉटल में डीजल ले लीजिए और स्प्रे कर दीजिए, उसके बाद पानी से क्लीन करेंगे तो ईजिली क्लीन हो जाएगा। तो अभी वाटर से क्लीनिंग हो गया है, इंजन को 15 से 20 मिनट के लिए ड्राई होने देंगे। और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो इंजन को 10 मिनट स्टार्ट करने के बाद आप जल्दी से वाटर से क्लीनिंग कर लीजिए, ड्राई हो जाएगा तुरंत। तो फ्रेंड्स, पूरा इंजन ड्राई हो गया है। तो अभी हम पहले बैटरी को कनेक्ट करेंगे और बैटरी के टर्मिनल के साइड्स में वाटर होगा तो वाटर को क्लीन कर लीजिए। और आप देख सकते हैं कि ड्राई होने के बाद कहीं कहीं व्हाइट व्हाइट हो गया है। और रीजन भी यह है कि ये इंजन 2009 मॉडल का है और इसमें पेंट भी काफी ओल्ड हो गया है। तो अब हमें इसको चमकाना है। तो चमकाने से पहले इंजन को हम 10 मिनट के लिए स्टार्ट करेंगे और थोड़ा सा गर्म होने देंगे। तो अभी हम इस सिलिकॉन स्प्रे का यूज करेंगे और इसको आप गाड़ी में काफी सारे पार्ट्स पे स्प्रे कर सकते हैं। और डिटेल रिव्यू का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो इसको सिंपल इंजन पे हमें स्प्रे करना है। और ये वीडियो कोई प्रमोशन का वीडियो नहीं है, क्योंकि मैं इसको खुद यूज़ करता हूँ और रिजल्ट मुझे काफी अच्छा मिला। और ये 3 से 5 महीने के लिए इसका इफेक्ट रहता है, मुझे तो काफ़ी दिन के बाद में पता चला इसके बारे में। तो अगर आपकी नई गाड़ी है तो इसको स्टार्टिंग से यूज़ करिए, पार्ट्स का लाइफ बढ़ जाएगा। सब्सक्राइबर भी बढ़ा सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसी ही वीडियोस फ्यूचर में भी मिलती रहेंगी। और मैं 2 से 3 अच्छे सिलिकॉन स्प्रे का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। और एक कपड़े में लेके आप फाइन डिटेलिंग भी कर सकते हैं। पूरा स्प्रे हो गया है और जहां जहां रबड़, प्लास्टिक और पेंट है वहां स्प्रे करना है, डायरेक्ट मेटल पे और इंजन के ब्लॉक पे स्प्रे नहीं करना है। तो अभी इसको 10 से 15 मिनट के लिए ड्राई होने देते हैं, उसके बाद ओपन में गाड़ी करके मैं दिखाता हूं, क्योंकि अभी बाहर बारिश हो रहा है। और इसको मैं बरसात के टाइम पे जरूर से करता हूं, क्योंकि ये स्प्रे जो है वायरिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर वायरिंग में पानी जाता है तो वो पानी अंदर नहीं जाने देता है और ये पानी जमने भी नहीं देता है। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इंजन काफ़ी अच्छे तरीके से चमक रहा है। और हम जब भी नई या सेकेंड हैंड गाड़ी लेते हैं तो उस टाइम पे इंजन इतना ही शाइन करता है, क्योंकि टेफ्लॉन या सिलिकॉन का कोटिंग करके दिया जाता है। और अभी आप देख सकते हैं कि हमने भी सेम रिजल्ट अचीव किया है और इसका असर 3 से 5 महीने तक रहता है। बस वाटर से क्लीन करिए और आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी 13 ईयर्स ओल्ड है और फिर भी हमने इसमें इतना अच्छा रिजल्ट अचीव किया। तो अगर आपकी गाड़ी नई है तो उसमें आप इससे भी अच्छा रिजल्ट अचीव कर सकते हैं इस स्प्रे के साथ में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए, थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।